नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके लिए कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, और नया ये है कि आपके जो एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो साथ साथ में वन शॉट जो आपके लेक्चर हैं वो चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हमने 7 से 8 लेक्चर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, साथ में हम जो प्रीवियस ईयर्स जो आपकी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चन वही आने हैं, सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज होनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं, तो मैं ये चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ। और आज हमारी जो 12th क्लास है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो लेकर के आया हूँ, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिसके अंदर 2008 से 2023 के बीच जितने भी नीट के एग्जाम हुए हैं उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन करवाने के बाद अगर आप देखिए आपको लगे कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये लगे कि नहीं सर हमें नए क्वेश्चन करवाइए, तो मैं नए क्वेश्चन भी बना करके तैयार करके रखे हैं, अगर ये नहीं चाहिए तो वो आपको जरूर करवा देंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे, देखने के बाद, अभी नहीं मैं कहूंगा कि लाइक करो शेयर करो, देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर है जिसमें केवल एक पुष्प के अंदर केवल एक ही जो लैंगिक अंग है जो आपका, या तो उसके अंदर नर जननांग हो सकता है या फिर आप मादा जननांग हो सकता है, तो इस प्रकार के पुष्प जो होते हैं उसमें कौन सी चीज है जिसको रुकावट होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम ऑप्शन आप पढ़ना, 1 या 2 या 3 सेकंड का आपको मैं समय दूंगा, उसके बाद में इसका आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सवक युग्मन को तो रोक देता है लेकिन सज्जात पुष्पी प्रागण को नहीं रोक पाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर एक पादप इस पे एक लिंगी पुष्प लगे हैं, दूसरा पादप है इस पे एक लिंगी पुष्प लगे हैं, अगर इस पे ये पुष्प है आपका नर जननांग वाला पुष्प और ये मादा जननांग वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। मतलब सज्जात पुष्पी परागण को तो नहीं रोक सकता लेकिन सवक युग्मन को ये रोक सकता है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष एम्ब्रियो स्पर्म को उपका उपभोग किसके बीज में होता है, मतलब एम्ब्रियो जो होता है ये डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट करते समय ऐसा कौन सा बीज है जिसमें एम्ब्रियो स्पर्म का उपयोग है वो कंप्लीटली कर लिया जाता है, ऐसा कौन सा बीज है। देखिए, अगर नारियल की बात करें तो नारियल में भ्रूण पोष या एम्ब्रियो स्पर्म बच जाता है, मक्का में भी क्या होता है एम्ब्रियो स्पर्म बच जाता है, अरंडी में बच जाता है, लेकिन मटर ऐसा पादप है जिसमें एम्ब्रियो स्पर्म नहीं बचता, इसका आंसर आपका मटर ही हो जाएगा, जिसमें कंप्लीटली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय भ्रूण पोष का उपयोग कर लिया जाता है। 2008 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, बीजाणु के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या कहलाता है, बीजाणु के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, आपके स्ट्रक्चर भी क्लियर होनी चाहिए, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपका इसका आंसर निकल करके आएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए, प्राग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है, ये जो तंतु रूप उपकरण होता है आपने ये स्ट्रक्चर देखी होगी, इस प्रकार से ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका कह देते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं बीच में और 3 कोशिका होती है नीचे, 1 होती है एग सेल्स और 2 होती है सिनर्जिड्स। इस सिनर्जिड्स के बीच में यहाँ पर, अगर चलो इसी पेन से बता देता हूँ, यहाँ पर एक आपका फिलिपोरम अपरेटस पाया जाता है, ये जो फिलिपोरम अपरेटस है ये क्या करता है, जो प्राग नलिका ना उस प्राग नलिका को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होगी, यहाँ पर अलग अलग जोड़े दे रखे हैं, इन जोड़ों में बताना है कि कौन सा
ऐसा है जिसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र क्या होंगे, अगुणित होंगे, एन होगी गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो, ये संख्या है ठीक है, संख्या जो होगी ये अगुणित होगी। तो क्वेश्चन नंबर चार की हम बात करें तो चार का आंसर क्या होगा ये आप बताइए। देखिए अंड केंद्रक जो होता है ये अगुणित होता है, लेकिन द्वितीय केंद्रक द्विगुणित होता है। बीजांडकाय प्रतिजासांत कोशिका ये अगुणित होती है, लेकिन ये क्या होती है बीजांडकाय। आगे देखिए अंड कोशिका अगुणित होती है और प्रतिजासांत कोशिका अगुणित होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये बता चुका हूं पीछे जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी ना, इसमें देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो तीनों जो सेल्स देखी थी ये आपकी प्रतिजासांत या इन्हें एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, अगुणित होती है, ये आपका द्विगुणित हो जाएगा जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, और ये जो नीचे वाले तीनों सेल अगुणित होगी ठीक है, ये ध्यान में रखें। इसका आंसर आपका तीन नंबर हो जाएगा, 2008 में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। प्राग कणों क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका चार हो गया, अब आ गया पांच, पांच नंबर का क्वेश्चन है। प्राग कणों का प्राग कोष से उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। मान लीजिए ये कोई पादप है ए और ये पादप है बी, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राग कणों का प्राग कोष के, यहां पर एक पुष्प है और इस पुष्प से क्या हो गए ये प्राग कण निकले ठीक है, उसी पादप के दूसरे पुष्प, एक पुष्प यहाँ पे लगा है ठीक है, ये हम मान लेते हैं कै पुष्प है और ये खै पुष्प है, नाम दे देते हैं ऐसे ही ठीक है। इसका वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है इसका ठीक है, इस पुष्प का। अब ये प्रागण इस पुष्प से निकले, कौन से फूल से, कै पुष्प से, और उसी पादप के ए पादप के किस पे पहुंच गए, खै पुष्प पे पहुंच गए, तो इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। अगर ये यहां से यहां पहुंचते तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो जाता, लेकिन है तो ये सब प्रागण, लेकिन हम इसे कहते क्या, क्योंकि सब प्रागण भी अभी क्या डिटेल से हम पढ़ेंगे ना, तो ये भी कई प्रकार का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर की बात करें तो तीन नंबर हो जाएगा, इसे गेटेनोगेमी कहते हैं। एक मिनट, प्राग कणों का प्राग कोष से उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर पहुंच स्थानांतरित होना गेटेनोगेमी कहलाता, अगर ये इसी पुष्प पर होता तो ये ऑटोगेमी कहलाता ठीक है ना, ये भी ध्यान में रख लेना। अगर कै पुष्प से निकल के निकल कर प्रागकण कै पुष्प के वर्तिकागर पर पहुंचते तो वो ऑटोगेमी हो जाता, लेकिन ये दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं तो गेटेनोगेमी हो जाएगा। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, वायु प्रागित पुष्प होते हैं, वायु प्रागित पुष्प कैसे होते हैं। देखिए वायु प्रागित जो होते हैं वो सामान्यतः नाम से पता चल रहा है, आपको पता होना चाहिए हल्के होने चाहिए एक तो ठीक है ना, उसमें मकरंद की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए पूछे तो सामान्यतया, क्योंकि जो कीट प्रागित पुष्प होते हैं ना उनमें मकरंद अधिक मात्रा में और रंगीन होने चाहिए वो, लेकिन वायु प्रागित जो होते हैं, अरे क्या हो गया एक मिनट, वायु प्रागित जो होते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की हम बात करें तो इसमें देखिए छोटे होने चाहिए, ज्यादा संख्या में होने चाहिए, शुष्क प्रागण मतलब हल्के होने चाहिए, तो ऐसे जो प्रागण होते हैं ना वो आराम से वायु में प्रवाहित हो जाते हैं और पादप पर प्रागण की क्रिया हो जाती है। लेकिन ये चटकदार रंग मकरंद युक्त ये सभी जो होते हैं ना मकरंद युक्त ये सभी कीट प्रागित पुष्पों के लक्षण होते हैं। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, तंतु रूपी समूचे उसी की बात कर रहे हैं, फिलिफोरम अपरेटस तंतु रूप समूचे किसका विभेदात्मक लक्षण है, किसका लक्षण है, ये कहां पर पाया जाता है, AIPMT प्री 2011 में पूछा गया है। युग्मनज में होता है क्या, या निलंबक में होता है, या अंडकोशिका में, या सहायक कोशिका में। देखिए सात नंबर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में इसका आंसर आना चाहिए सात नंबर के क्वेश्चन में। तो ये कहाँ होता है, अभी मैंने बताया था, ये जो सिनर्जिड्स होते हैं उन कोशिकाओं में पाया जाता है, फिलिफोरम अपरेटस या तंतु रूपी समूचे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आठ नंबर का जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पादप जिसकी मूल शीर्ष कोशिका में 42 गुणसूत्र है, मूल शीर्ष की जो कोशिका है उसमें 42 गुणसूत्र हैं, तो इसकी एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। ये कोई पादप है मतलब ये एक बीजपत्री पादप होगा, एक बीजपत्री में एल्यूरोन परत पाई जाती है, तो उनकी जो मूल शीर्ष होता है उसमें तो 42 गुणसूत्र है, मतलब द्विगुणित पादप है उसमें आपको 42 गुणसूत्र मिलेंगे ठीक है। तो अगुणित कितने हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे 42 के आधे कितने, 21 हो जाएंगे ठीक है ना, ये एन हो गए और द्विगुणित 42। इसकी एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अब आप एक मिनट सॉरी
एल्यूरॉन परत होती क्या है? देखिए एल्यूरॉन परत खाद्य पदार्थ होते हैं इसके अंदर, और ये एक एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म होता है मतलब भ्रूण पोष होता है, और भ्रूण पोष हमेशा त्रिगुणित होता है। ठीक है, तो ये एक गुणित कितने, 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 एकम 3, 3 दुनी 6, मतलब 63 गुणसूत्र हो जाएंगे। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आना चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितने का, ये 8 का और ये 9 का हो, थोड़ा सा समय जरूर दे रहा हूं लेकिन क्या है कि इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वायु प्रागण सामान्य होता है। वायु प्रागण सामान्य इनमें किस में होगा? 2011 में सीबीएसई प्री एग्जाम में पूछा गया एजी सा क्वेश्चन है, तो 9 का आंसर आपको देना, इसमें ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। जो घास वर्ग के पादप है उनमें पाया जाता है वायु प्रागण। निम्नांकित, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 10 ही है ना, और 10। निम्नांकित में से किस एक में सवयुग्मन प्रागण होता है? सवयुग्मन यानी ऑटोगेमी प्रागण किस में देखने को मिलता है? ऑटोगेमी किस में देखने को मिलता है? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी है ये। थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी कुछ फॉर्म से होते हैं जो हमेशा ही बंद रहते हैं, बंद रहेंगे तभी तो उसमें सवक युग्मन होगा, सवयुग्मन मतलब ऑटोगेमी होगा या सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो क्लिस्टोगेमी नामक जो पादप होते हैं उन पादपों में देखने को मिलता है, 2011 में पूछा गया ये। आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आता है नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है, फिलिपोर्म उपकरण का लक्षण किसकी विशेषता है? फिलिपोर्म उपकरण का लक्षण किसकी विशेषता? देखिए 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, निलंबी का, अंडकोशिका, सहायक कोशिका या युग्मनज। तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार हो चुका है रिपीट और लगातार हो रहा है, तो अभी भी पूछा जा सकता है। जो सहायक कोशिका होती है सिनर्जिड्स, उसमें ये फिलिपोर्म उपकरण पाया जाता है जो प्राग नलिका को मार्गदर्शित करने का काम करता है। 11 आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, और अब आगे हम बात करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। बहुभ्रूणीय बीजांडकाय किन जातियों में पाया जाता है? बहुभ्रूणीय पॉली एम्ब्रियोनी बीजांडकाय जो होता है, न्यूशेलस जो होता है, ये किन जातियों में देखने को मिलता है? सिट्रस में, गोसिपियम में, ट्रिटिकम में, ब्रेसिका में। 2012 AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 12 का क्वेश्चन जो होगा, आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो सिट्रस पादप है उनमें ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्किगोनियोफोर उपस्थित होता है। आर्किगोनियोफोर किस में पाया जाता है? मार्केंजिया, कारा, एडियंटनम, यूनेरिया। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मार्केंजिया। मार्केंजिया मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर ये पाया जाता है आर्किगोनिया, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 13 के बाद में क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, निम्न में से कौन से जोड़े गलत मिलान किए गए हैं? AIPMT 2012 में पूछा गया है, गिंगो, आर्किगोनिया, गिंगो में आर्किगोनिया होती है क्या? साल्विनिया में प्रोथेलस, लीरोइड जो आपका वायरस होता ना उसकी बात की, उसमें DNA, सरसों उसमें सहायक कोशिका। तो इनमें पूछा कि गलत कौन सा, मतलब 3 सही है और एक आपको गलत मिलेगा, तो 14 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 14 के अंदर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वायरस के अंदर क्या होता है? DNA ही होता है, ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जनन छिद्र का क्या कार्य है? जनन छिद्र बोल दो या माइक्रो जर्मपोर, सॉरी ये माइक्रोपोर नहीं है, ये दूसरा है, जर्मपोर बोलते हैं इसे, जर्मपोर। जनन छिद्र का क्या कार्य है? AIPMT 2012 में पूछा गया है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13, प्राग नलिका का आरंभ करना, यानी कि जो आपका प्राग होता है ना, उस प्राग के अंदर प्राग नलिका जगह जगह पर ये जो है इस प्रकार के स्थान होते हैं जहां पर स्पोरोपोलोनिन नहीं पाए जाते, और जहां पर स्पोरोपोलोनिन नहीं होती है उन वहां पर ये जनन छिद्र पाए जाते हैं। जब प्राग नलिका का निर्माण होता है तो इन्हीं से क्या होती है, वो प्राग नलिका निकलती है, तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छाटना है, 2012 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है,
तो 16 नंबर की हम बात करें तो पहले तो हमें सभी कथन पढ़ने चाहिए। देखिए आप नीचे से चलते हैं, अंतः चोल है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सही आपका, देखिए निशान, ये सही है आपका कि अंतः चोल है वो सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है। बाह्य चोल पूछे तो स्पोरोकोलोनी, ठीक है। कुछ पादपों में परागकण कई महीनों तक जीवित रहते हैं, ये भी ठीक है, जैसे गेहूं मक्का वगैरह जो होती है इनमें। कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है, ये भी सही है आपका कि दो कोशिकाएं बनती है, इसमें एक तो बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। ये जो छोटी कोशिका ये जनन सेल कहलाती है और ये कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल कहलाती है। जब परागण दो कोशिका अवस्था में झड़ता है तब द्विनिषेचन नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्री भ्रूणपोष पेरिस्पर्म भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो आपका पेरिस्पर्म होता है पेरिस्पर्म, और एक होता है एम्ब्रियोस्पर्म एम्ब्रियोस्पर्म, ये दोनों आपस में कैसे भिन्न है ये बताना है। तो 2013 नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17 नंबर की हम बात करें, देखिए द्वितीय केंद्र के साथ अनेक शुक्राणुओं के संयोजित होने से इसका निर्माण होता है, अनेक शुक्राणुओं के संयोजित होने से, ये गलत हो जाएगा। इसका अगुणित उत्तक होता है, अगुणित थोड़ी होता है, ये भी गलत है। इसमें संचित भोजन नहीं, संचित भोजन तो होता है, तभी तो ये जो संचित भोजन तो होता है, दोनों में ही होता है संचित भोजन। इसका द्विगुणित उत्तक होता है, जो आपका भ्रूणपोष होता ना, ये इसमें आपका द्विगुणित उत्तक नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो भ्रूणपोष नहीं होता। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पेरिस्पर्म में तो क्या होता है द्विगुणित उत्तक होता है, और एम्ब्रियो जो स्पर्म होता है भ्रूणपोष, इसमें त्रिगुणित उत्तक होता है, ठीक है, ये याद रखें। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, इस प्रकार से ये भिन्न होता है। आगे आता क्वेश्चन नंबर 18, गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य, गुरु बीजाणु धानी मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणु धानी है वो इनमें से किसके तुल्य है, बीजांड के, भ्रूणकोष के, फल के, या बीजांड का एक, तो गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य हो जाएगी, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये जो बीजांड होता है ओवल जो होता है उसके समतुल्य होती है। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 18 के बाद में आता है 19 का क्वेश्चन, उभयलिंगाशयी पादप कारा किसके होने को दर्शाता है, यानी कि जो कारा है, कारा एक क्या है एल्गी है, ग्रीन एल्गी, और ये क्या होती है उभयलिंगाशयी पादप है, ये क्या दर्शाता है, ठीक है। तो 19 का जो क्वेश्चन है ये आपके नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये दर्शाता है ऊपर की ओर तो अंडदानी होती है जबकि नीचे की ओर इनमें पूदानी एक ही पौधे पर पाई जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 20, अनुन मिले यानी कि क्लिस्टोगेमी की बात कर रही है कि प्रागण का क्या लाभ है, अनुन मिले प्रागण का क्या लाभ है, नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, प्रागण कारकों को पर निर्भरता नहीं होती है। क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिल्य जो पुष्प होते हैं ये बंद रहते हैं, तो आपस में उसी में क्या होता है सब परागण या ऑटोगेमी हो जाती है, इस कारण से प्रागण करने वाले जो एजेंट होते हैं ना उनकी आवश्यकता इनमें नहीं होती है। 4 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट क्या हो गया, 21 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहाँ होता है, मियोसिस किसमें होगा, जहां पर युग्मक बनते हैं वहीं पर मियोसिस होगा। तो नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो आपका क्या होगा जब गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उसमें मियोसिस होता है, और एक लघु बीजाणु का निर्माण होता है उस समय मियोसिस होता है, और ये पूछ रहे हैं कि मियोसिस होगा कहाँ। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो मियोसाइट कोशिकाएं होती है उनमें मियोसिस होता है। देखिए गुरु बीजाणु का तो निर्माण होता है ये तो अगुणित हो जाएगी, कोनिडिया ये बीजाणु होती हैं, मुकुलक होगा नहीं, तो मियोसाइट जो कोशिका है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है या मियोसाइट जो सेल्स होती है द्विगुणित होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। 21 हो गया क्या, 22 नंबर का क्वेश्चन है,
22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। टिपटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है ये। परागण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल इंटाइन कहलाता, बाहरी कठोर आवरण इंटाइन नहीं होता, ये एक्जाइन होता है। बीजाणु जन उत्तक अगुणित होता है, बीजाणु जन उत्तक अगुणित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बीजाणु जन उत्तक हमेशा द्विगुणित होता है। अंतस्थीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती, ये भी गलत हो जाएगा। तो परागण बाहरी कठोर आवरण ये एक्जाइन होता है, एक्जाइन इंटाइन नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा कि टेपिटम जो होता है ये जो विकसित हो रहे भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतया लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है, लैंगिक जनन जो होता है ये लास्ट में उत्पाद क्या बनाता है, नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 23 की हम बात करें तो 23 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो नई संतति बनती है उसमें नए नए आनुवांशिक संयोग आते हैं, तो मतलब ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, नए आनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, कि लैंगिक जनन से जो नई संतति बनेगी ना उसमें नए संयोग देखने को मिलेंगे आनुवांशिक रूप से, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तंतु रूप समुचे का क्या कार्य है, तंतु रूप समुचे वापस आ गया, देखिए फिलिपोर्म अपरेटस ये मैं बता चुका हूं, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन करता, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 24 में जो आपका आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, कर लेना है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। 24 के बाद में 25 नंबर का है, 25 है ना, 24 और 25। पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है, पराग टिकिया जो बाजार में उपस्थित होती है वो किस लिए काम में ली जाती है, किस लिए उपलब्ध होती है, AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। खाद्य संपूरण के लिए, बाह्य स्थान संरक्षण के लिए, पात्र निषेचन, प्रजनन, नहीं नहीं, पराग टिकिया जो होती है उसमें खाद्य पदार्थ उपस्थित होती है तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए ही ये उपयोग में ली जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें राइट हो जाए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत कौन सा है, तीन सही है एक गलत है। देखिए ग्लोबुल नर प्रजनन संरचना होती है, ग्लोबुल बोलते हैं इसे, ग्लोबुल, ग्लोबुल ठीक है, ऊपर अंडदानी और नीचे गोल पूंददानी होती है, ये भी ठीक है, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, ग्लोबुल और न्यूकुल ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी टाइपिंग में, ग्लोबुल और न्यूकुल, ये क्या करते हैं एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो दो भी ठीक है, तीन भी, चार भी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ये तो इसका उल्टा दे दिया, ऊपर की ओर अंडदानी होती है, नीचे की ओर आपकी पूंददानी होती है, ये इसने उल्टा दे दिया, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सज्जात पुष्पी परागण में क्या होता है, सज्जात पुष्पी परागण में बता चुका हूं कि एक ही पौधे पर क्या होती है, ये ए पुष्प है और ये बी पुष्प, अगर ए पुष्प से परागण आकर के बी पुष्प आ जाए तो ये सज्जात पुष्पी परागण हो जाएगा। तो एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप पुष्प, नहीं नहीं, एक पुष्प का निषेचन दुरुस्त, नहीं नहीं, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प पर हो, 27 में आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 का है, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, प्रकंद में होता, प्रकंद के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चन है वो बीच में इस प्रकार के हैं कि ज्यादातर रिपीट नहीं हो रही, तो वो आप थोड़ा सा कम देख लेना, जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको ज्यादा देख लेना। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु परागण कार्यों के लिए पुष्प प्रतिफल है, तो इनमें से कौन सा है जो जंतुओं के द्वारा परागण होता है तो उन जंतुओं के लिए एक प्रतिफल या रिवार्ड के रूप में पुष्प रिवार्ड, इनमें से किसको मान सकते हैं, तो पुष्प सुगंध और कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन तंतु, वर्तिकागर निश्राव, पुष्कर, नहीं नहीं, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, मकरंद और परागण होते हैं, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, कीट मान लीजिए या यहाँ पर जितने भी जीव होते हैं जिनके द्वारा परागण होता है तो उनके लिए मकरंद और जो परागकण होते हैं ये क्या करते हैं, पुष्प प्रतिफल के रूप में होते हैं, रिवार्ड के रूप में होते हैं, 2015 नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है AIPMT। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है, किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है, परंतु ये आनुवांशिकता स्वक युग्मन के समान होता है,
अनुवांशिक रूप से ये सवक युग्मन के समान होता है लेकिन इसमें प्रागणकारी एजेंट की आवश्यकता हो सकती है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 30 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो सजात पुष्पी प्रागण होते हैं ये सवक युग्मन की तरह ही होते हैं लेकिन इनमें प्रागणकारी की आवश्यकता होती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन इनमें से आपको देखना है। सत्य नहीं मतलब गलत छाटना 2015 में पूछा गया है, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। देखिए, मक्खियों और चमगादड़ों से परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध मतलब गंध छोड़ते हैं, ठीक है। प्रागणों में पोषक प्रचुर मात्रा में होती है जो गोली और शरबत के रूप में काम में लिया जाता है, ये भी ठीक है। कुछ पादपों के प्रागण कुछ लोगों में गंभीर प्रतिजन यानी कि एलर्जी वगैरह उत्पन्न करते हैं, ये भी ठीक है। आपका सेकंड गलत हो जाएगा, शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए प्रागणों का पाचन करके बनाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन के बाद आता है 32 नंबर का क्वेश्चन, नाभिका कहां पर एक निशान होता है। नाभिकार अंग्रेजी में कह देते हैं इसे हाइलम, शायद हाइलम नाम लेते आपके दिमाग में आ गया होगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, आगे देखिए देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बीज में पाया जाता है और जहां पर बीजांड व्रंत उपस्थित होता, बीजांड व्रंत लगता ना उस स्थान पर ये नाभिका उपस्थित होती, वहां पर एक निशान सा बन जाता, आपने बीज देखा भी होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संचरण उत्तक, संचरण उत्तक किसका विलक्षण है, किसका विलक्षण है संचरण उत्तक, शुष्क वर्तिकाग्र का, खोखली वर्तिका का, आद्र वर्तिकाग्र का या ठोस वर्तिकाग्र का। तो यहां पर हम बात करें जो ठोस वर्तिकाग्र होती है ना वो संचरण कर सकती है, ठोस वर्तिकाग्र है वो संचरण करती है। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, एक बड़े से आकार का बीज पत्र होता है। गेहूं के दाने की हम बात करें उसके अंदर गेहूं के जो स्ट्रक्चर है ना वो देख लेना आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। उसमें इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी नीचे की ओर इस प्रकार से, और ये ऐसे बंद रहता है और एक यहां से इस प्रकार से, ठीक है ना। गेहूं का जो देखते हैं तो उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। तो गेहूं के दाने में एक बड़े ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, वो बीज पत्र क्या कहलाता है, तो उस बीज पत्र को हम स्कूटेलम कह देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 35 का क्वेश्चन है, तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है। वापस आ गया ये तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है, री AIPMT 2015 में पूछा गया, जनन कोशिका, बीजांडकायी कोशिका, एल्यूरोन कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड्स का ये एक इंपॉर्टेंट लाक्षणिक गुण है। तो याद रख लीजिए, रट लीजिए इसे, तो ये आपका 100% पूछा जाएगा, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन ये कहां पर होता है। देखिए, आवर्तबीजी जो पादप है उसमें लघु बीजाणु जनन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस AIPMT 2015 में पूछा गया है, प्रागकोष में होता है या बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है या बीजांड में होता है। तो यहां पर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर जो निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 36 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, लैंगिक लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होता है, जिसे लघु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु बनते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है, ऐसा कौन सा इसमें एक लिंगी पुष्प देखने को मिलता है। AIPMT 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, मटर, खीरा, चाइना रोज और प्याज। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चाइना सॉरी खीरा के अंदर देखने को मिलता है, खीरा के अंदर क्या होता है एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, इसके अलावा द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत की पहचान करनी है। AIPMT 2015 में पूछा गया, एक तरफ प्रजनन विधि है एक तरफ उदाहरण। देखिए, ये जो टॉपिक है आपके NCERT से हटा दिया गया है और अब की अवार नीट से भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ गया है, तो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कौन सा गलत है, ये आपकी पूछा नहीं जाएगा।
मैंने भी उस समय ऐड कर दिया था तो शायद उसमें ध्यान नहीं दिया गया होगा, तो विखंडन सारगासम ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सभी सही। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल एनिसेक फलनीक है, मतलब एनिसेक फलन पार्थिनोकार्पी जो विधि है उसके द्वारा फल का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा, ये AIPMT 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ओपन कितने का है, 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, केला के अंदर पार्थिनोकार्पी के द्वारा इसका निर्माण होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाता है, आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाएगा, 2 शुक्राणु और 1 काई कोशिका, 1 शुक्राणु और 1 कोशिका ये तो होगा नहीं, 1 शुक्राणु और 2 काई कोशिका ये भी गलत है, 3 शुक्राणु ये भी गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा। AIPMT 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया तो 40 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 नंबर के क्वेश्चन को स्टार लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये स्वतंत्र केंद्र की भ्रूण होता है, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूण पोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है याद रख लेना। इसके बाद में 42 नंबर का क्वेश्चन है, पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी सा क्वेश्चन है, सीधा ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिला है कि पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा रहता है, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पुंकेसर हमने देखा, मान लीजिए ये आपका फ्लोर है, पुष्प बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ये पुष्प है और ये आपका जो बाहरी जो कैलिक्स होते हैं वो हो गए, और ये आपकी हो गए कोरोला, ठीक है, और इसमें आपका मैं बनाऊं तो दूसरा कलर ले सकता हूं क्या यहाँ पे, चलो ले सकते हैं, ये ले लेते हैं, व्हाइट कलर दिखता है, हाँ ठीक है व्हाइट कलर ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया पुंकेसर, और ये एक मिनट थोड़ा सा ये गलत बन गया, फटाफट से करने का प्रयास करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है समय कम है, ये आपका पुंकेसर है, ये आके यहाँ जुड़ गया, एक तो ये स्थिति देखने को मिलती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक स्थिति ये भी होती है, मतलब इस दल के साथ में भी जुड़े हुए मिल जाते हैं, और आपका ओवेरी होती है वो इस प्रकार से यहाँ पे उपस्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पुंकेसर का पुंकेसर तंतु है उसका निकटस्थ सिरा, निकटस्थ मतलब ये वाला सिरा किसके साथ में जुड़ा है, या तो ये पुष्पासन के साथ में जुड़ा हो सकता है या दल के साथ में, तो यहाँ पर देखिए थैलेमस फॉर पेटल्स, तो ऑप्शन 4th आ जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए 43 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन की पहचान करनी है, 2016 नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनमें से गलत कथन कौन सा होगा, 43 की हम बात करें। देखिए द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योग्य जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रयुक्त किए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, बहुत सी जातियों के परागकण जो होते हैं ये गंभीर एलर्जी उत्पन्न करते हैं ये भी ठीक है, परागकणों का बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ये भी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, परागकण के स्फुटन में टेपिटम सहायता करता है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टेपिटम जो होता है ये तो पोषण प्रदान करता है, इसके अलावा आपकी एक तो अधिचरम एंडोथीसियम और एक होती है आपकी मध्य परत, ये जो तीनों परत होती हैं ये आपके क्या करती हैं परागकण के स्फुटन में मदद करती हैं, तो ये याद रख लेना, आपके 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, मक्का के दाने के बीज पत्र का स्राव होता है, तो मक्का के दाने के बीज पत्र का स्राव किससे होगा, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 44 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 स्कूटेलम, याद रख लेना, ये पीछे भी आया ना स्कूटेलम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 45 पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, एक तो देखिए बीज का निर्माण होना बिना निषेचन के, एक फल का निर्माण होना, ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 45 की हम बात करें तो 45 में यहां पर जो आंसर हो जाएगा पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, तो ये कहलाएगी आपकी एपोमिक्सिस, ठीक है
एपोमिक्सिस। देखिए यहाँ पर पूछे बीज का निर्माण प्रक्रिया का नाम पूछे, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपका यही होगा, प्रक्रिया पूछे तो आपको पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, और फल में पूछे तो पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही याद है ना, 2016 में ये क्वेश्चन बना। 46 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये या तो एक बार इस क्वेश्चन को मिलान करना, ये एपोमिक्सिस की जगह आपको पार्थेनोकार्पी मिलेगा मेरे अनुसार, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन की पहचान करनी है, गलत कथन कौन सा होगा। नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो 46 की हम बात करें, देखिए कुछ सरीसृप और कुछ पादप प्रजातियां जो परागण करते हुए बताए जाते हैं, मतलब परागण करते हैं, परागण अंकुरण तथा पराग नलिका वर्धी परागण या स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब परागण है वो अगर परागकण अंकुरण और पराग नलिका है, इनमें जो वर्धी होती है तो स्त्री केसर के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ सिक्रेट किया जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसका मार्गदर्शन होता है। कीट जो बिना परागकण के पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग मकरंद चोर कह देते हैं, पोलन रोबर्स कहा जाता है इन्हें। ये क्या करते हैं, पुष्पों पे जाते हैं और पराग या मकरंद या पराग उनको खा लेते हैं लेकिन परागण नहीं करते, तो ये चोर कहलाते हैं, परागण चोर। ठीक है, कोई सोना चांदी नहीं चुराते। बहुत सारी जातियों के परागण एक पुष्प के वर्तिकागर पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागणों की केवल एक प्राग नलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, सत्य नहीं मतलब फर्स्ट वाला गलत है। 46 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 47, जल हाइसिंथ और जल कुमोदनी में परागण किसके द्वारा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी दिखा दूंगा आपको, ये रिपीट हुआ है। 47 की हम बात करें तो 47 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जल हाइसिंथ और जल कुमोदनी जो होते हैं ये जल में पाए जाते हैं। देखिए ये जल है तो इसके जो पुष्प होते हैं ऐसे शाखा हो गए, पुष्प बाहर निकले रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक तो वायु द्वारा परागण करते हैं, ठीक है, और एक करते हैं कीट द्वारा परागण। ठीक है, जल द्वारा नहीं होता क्योंकि जल से बाहर निकले रहते हैं, तो वायु और कीट के द्वारा परागित होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है जो गलत दे रखा है, 2016 नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें, देखिए रुके हुए जल में उगती हुई जल हाइसिंथ जल में ऑक्सीजन को खींच लेती जिससे मछलियां मर जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। अलैंगिक प्रजनन उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन से जो संतान उत्पन्न होती है जैसे बडिंग है, बडिंग या मुकुलन जिससे हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या हो गया, हाइड्रा से हाइड्रा बन गया, तो हाइड्रा सेम होगा ना, तो उसको एक दूसरे को क्लोन कह देती हैं। सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं को चल बीजाणु कहा जाता है, मतलब ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं जो अलैंगिक प्रजनन में भाग लेती है लेकिन मोटाइल होती है, चल होती है, गतिशील होती है, वो चल बीजाणु या जू स्पोर्स कहलाती हैं। आलू केला अदरक में पादपक और रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा गलत। 48 के बाद में क्वेश्चन आता है आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवांशिक संयोजन उत्पन्न करते हैं, इनमें से कौन सा है जिसमें नए आनुवांशिक संयोजन उत्पन्न होंगे। देखिए एकमात्र ऐसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक तो आपका मेल गेमेट बनता है, एक फीमेल गेमेट बनता है, दोनों मिक्स होते हैं, जायगोट बनता है, और जायगोट में क्या होता है, मादा से गुणसूत्र आते हैं और मेल से आते हैं और फीमेल से आते हैं जिससे नए संयोजन बनते हैं आनुवांशिक रूप से, और ये होता है आपका केवल अलैंगिक जनन में होता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांत आवृतबीजी पादपों में क्या होता है, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा अधिकांश आवृतबीजी पादपों में। 50 नंबर के क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें, देखिए जितने भी अधिकांश आवृतबीजी पादप है उनमें एक तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ये तो, और देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, बहुत सी प्रतिव्यासांत बहुत सी नहीं तीन ही होती है, तो अंड में तंतु समुच्चय होता है, अंड में नहीं होता, सहायक कोशिका में होता है, भ्रूण कोष में एक लघु केंद्र, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है जो किसमें होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है जिससे अंड सेल्स का निर्माण होता है।
आगे देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है। आवृतबीजी पादपों का जो बीजांड होता है, ओविल जो होता है, ठीक है, ये किसके समान होता है। नीट 2016 में यहां से क्वेश्चन बना है, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओविल बीजांड, गुरु बीजांड पर्ण। क्या उनकी हम बात करें तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं होगा, एक मिनट थोड़ा सा देखना, ये मैं गुरु बीजाणु पर्ण गुरु एक सा पढ़ लिया, तो गुरु बीजाणु धानी होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 51 के बाद में क्वेश्चन नंबर 52, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या होती है। नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति, आपने नारियल खाया होगा बाहर से, तो आपको जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो भाग आता है इसे क्रैंकल कह देते हैं, क्रैंकल, ये जो भाग होता है ये तो व्हाइट कलर का होता है, बीच में कुछ द्रव्य पाया जाता है, आपने देखा होगा जो पानी जैसा होता है, जो कि एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जो रूपात्मक प्रकृति क्या होती है नारियल के खाने वाले भाग की, 2017 में ये क्वेश्चन बना है, तो 52 के आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रूण पोष होता है, ऑप्शन थर्ड हो जाए, ठीक है। यारो ये जो होता है ना बीच वाला पार्ट, ये स्वतंत्र एंडोस्पर्म होता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और क्रैंकल जो होता है ये भ्रूण पोष होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक लिंगाश्राई पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दो को रोकते हैं। नीट 2017 में पूछा गया है कि एक लिंगाश्राई पुष्पी पादप, डाइसियस जो पादप होते हैं, एक लिंगाश्राई पुष्पी पादप जो होते हैं ये निम्न में से किसको रोकते हैं। युग्म में आंसर दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचान करनी है किसको रोकेंगे। देखिए 53 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन टू हो जाएगा, सवक युग्मन को रोकते हैं और साथ में सजात पुष्पी जो परागण होता है उसको रोकते हैं, ठीक है, सवक युग्मी, ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। कोई भी आवृतबीजी पादप है और उनमें जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर है, इससे किसका निर्माण होगा, तो ये हम जानते हैं। 54 के अंदर जो आपका आंसर होगा यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, भ्रूणकोश, या इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण होगा, ठीक है, भ्रूणकोश अलग है, इसे एम्ब्रियो स्प्रम कह देते हैं, ये त्रिगुणित होता है, बीजांड ये आपको द्विगुणित कह सकते हैं, भ्रूण वगैरह, ठीक है, इसमें आपका जो होता है भ्रूण कोश, इसमें अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं भी देखने को मिलती है। 55 का आंसर है समोहक, समोहक और पारितोषिक के लिए आवश्यक होते हैं, समोहक और पारितोषिक, ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, समोहक या कह सकते हैं या जो रिवार्ड होते हैं, रिवार्ड, रिवार्ड या पुरस्कार किसके लिए आवश्यक होते हैं। देखिए पुरस्कार वगैरह जो होते हैं, मकरंद हो गया ये सभी, या फिर रंगीन पुष्प होता है, वो क्या करते हैं कीटों को आकर्षित करता है, आकर्षित करने के बाद कीट वहां पे चला जाता, चलते उसको मकरंद मिल जाता, जो कि एक पुरस्कार के रूप में काम करता है। तो ये नीट 2017 में पूछा गया और इसका आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। 54 का जो आंसर 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कीट परागण में होता है। 56 की हम बात करें, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है, वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है, वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं, ये नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 56 की हम बात करें तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका, जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है। 57 का है, दिव्य निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, नीट 2017 में पूछा गया ये, तो दिव्य निषेचन जो कि एक यूनिक फीचर होता है, और ये यूनिक फीचर होता है आपके अनावृतबीजी पादपों का होता है, एंजियोस्पर्म का होता है। और दिव्य निषेचन कहते किसे, देखिए थोड़ा सा बता देता हूं, एक आपका नर युग्मक आता है, नर युग्मक, और एक होती है मादा युग्मक। आप जानते हैं कि जो पराग नलिका होती है उसमें दो युग्मक पाए जाते हैं, एक नर युग्मक जो कि अगुणित, एक या मादा युग्मक, ये भी अगुणित, दोनों जुड़ते हैं, जुड़ करके जायगोट बनाते हैं, ठीक है, जायगोट बनाते हैं जो द्विगुणित है। पहला तो ये निषेचन हो गया, ठीक है, निषेचन हो गया। दूसरा क्या होता है, एक आपका जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, ध्रुवक केंद्रक, जो कि द्विगुणित होता है, ठीक है, इसके साथ में एक नर युग्मक जुड़ जाता है, नर युग्मक जो कि अगुणित होता है, दोनों जुड़ने से क्या होता है, त्रिगुणित संरचना बनती है जिसे एंडोस्पर्म कह देते हैं,
भ्रूण पोष कह देते हैं, यह कहलाता आपका त्रिकसल्लेन, त्रिकसल्लेन कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर के निषेचन और त्रिकसल्लेन को मिलाकर के हम कह देते हैं द्वि निषेचन। ये इंपॉर्टेंट है और इसकी खोज पूछ ले तो नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूरी की पूरी चीज मैंने आपको एक मिनट में यहां पर बता दी। क्वेश्चन नंबर 58, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हटा दिया गया, ये चैप्टर हटा दिया गया, 2018 में आया गया था, तो 58 का जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, सूत्र विभाजन का देना ऑफसेट्स। 58 के बाद में 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है, इनमें से कौन सा पादप है जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होगा। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जो बांस होते हैं ना, बांस स्पीसीज जिसे सबसे बड़ा घास माना जाता है उसके अंदर केवल एक बार पुष्पन होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राग को जीवाश्मों के रूप में परीक्षित करने में सहायक साबित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राग होते हैं, प्रागकण होते हैं, उनको लंबे समय तक फॉसिल्स या जीवाश्म के रूप में हम परीक्षित कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा सहायक साबित हुआ है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन ऐसा पदार्थ होता, बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है, ना तो एंजाइम के द्वारा नष्ट होता है, ना ही कोई कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा नष्ट होता है, बहुत ही मजबूत पदार्थ होता है, ठीक है, याद रख लेना। और जो आपका परागकण होता है उसकी जो बाह्य अग्जाइन जिसे कहते हैं बाह्य चोल, वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारित कर सकते हैं। परागकण जो होते हैं इनको लंबे समय तक भंडारित करने के लिए द्रव नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे परिवर्तित या परिरक्षित या भंडारण कर सकते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, अभी बताया था मैंने नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो नरयुग्मकों का एक अंड के साथ संयोजन, नो, एक प्रागनलिका में दो नरयुग्मकों का दो भिन्न अंडों, ये भी गलत है। युग्मक सलेन और त्रिकसलेन ये सही हो जाएगा, युग्मक सलेन मतलब मेल और फीमेल दोनों युग्मक जुड़ते हैं, जायगोट बनता है, ये अगुणित और ये द्विगुणित। और त्रिकसलेन में क्या होता है, त्रिकसलेन में एक तो आपका क्या बनता है, ध्रुव जो केंद्रक होता है वो द्विगुणित होता है ये, और एक नर युग्मक जो होता है ये आपका अगुणित, दोनों जुड़ते हैं, ये त्रिसलेन होता है, त्रिकसलेन जिसमें आपका क्या बनता है, त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनता है। तो नीट 2018 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन है, सपक्ष परागण किसमें होता है, सपक्ष परागण किसमें देखने को मिलता है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका 63 नंबर का आंसर हो जाएगा पाइनस, 63 का आंसर पाइनस हो जाएगा ऑप्शन सेकंड थर्ड। 63 के बाद में आता है 64, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण बना लेते हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है, नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे एनिसेक जनन कहेंगे या एनिसेक प्लन या सवक युग्मन या युग्मक सलेन, एपोमिक्सिस या युग्मक सलेन तो होगा नहीं, सवक युग्मन में होगा, एनिसेक फलन में तो फल का निर्माण होता है, मतलब एनिसेक जनन हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि सहायक कोशिका में संकलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होगा, मतलब उसका भविष्य क्या होगा, सहायक कोशिका में प्रागनलिका के माध्यम से जो नर युग्मक थे वो उसमें डाल दिए, डालने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी, नीट 2019 में यहां से क्वेश्चन बना है। तो 66 की हम बात करें तो 66 में इसमें होगा क्या कि एक तो अंड कोशिका के साथ संयुक्त दो नर युग्मक होते हैं, देखिए दो नरयुग्मक होते हैं, एक तो आपका अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा केंद्रीय जो ध्रुव कोशिका है जो कि द्विगुणित होती है उसके साथ में जुड़ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। और ये त्रिकसलेन और निषेचन वाली मैं बता चुका हूं, द्वि निषेचन है की प्रक्रिया होती है। 67 है कि पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में, डेवलपमेंट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, नीट यूजी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 67 के आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं, भ्रूणकोश बीजांड कहां बनते हैं, बीजांड जो होते हैं भ्रूणकोश में विकसित होते हैं,
ठीक है, ये याद रखें। 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्त बीजों में सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोष है? ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। निम्न में से कौन सा आवर्त बीजों में सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोष है वो पाया जाता है? नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 68 का जो आंसर होगा, एक मिनट क्या हो गया रे, 68 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तीन कर्मागत समसूत्री विभाजन के साथ एक बीजाणु, यही होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 68 में सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तीन कर्मागत समसूत्री विभाजन होंगे उसके साथ में एक बीजाणु, ठीक है, भ्रूण कोष। 68 के बाद में आपका क्वेश्चन आता है 69, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? वेलिसनेरिया जो कि एक जलीय पादप है, और नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें किस प्रकार का परागण देखने को मिलता है? तो 69 की हम बात करें, देखिए जलीय है तो जल के द्वारा ही होना चाहिए, नर पुष्प वो जल की सतह पर मादा पुष्प तक वायु धाराओं द्वारा ले जाए जाते हैं। देखिए जलीय पादप है लेकिन जल के द्वारा नहीं होता, जल के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, जो मादा पुष्प वो उपस्थित होता है, जैसे ये जल का क्षेत्र है तो इसके ऊपर मादा पुष्प पाया जाता है, और वायु द्वारा यहाँ पर जो परागण निकलते हैं ना, वो परागण वायु द्वारा इसको पहुंचाए जाते हैं, मतलब वायु परागण होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाए। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सौ परागण और सजात पुष्पी परागण दोनों को रोकता है? इनमें से कौन सा, एक मिनट, इनमें से निम्न में से कौन सा एक सौ परागण और सजात पुष्पी परागण दोनों को रोकता है? ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए, नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सौ परागण और सजात पुष्पी परागण को रोकता है? देखिए इस 70 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये मिसमैच हो गया थोड़ा सा, ऑप्शन है वो यहाँ पर मैं अच्छे से टाइप नहीं कर पाया, ठीक है, तो सौ परागण और सजात पुष्पी परागण दोनों को कौन रोकता है? क्लिस्टोगेमी पुष्प जो होते हैं, क्लिस्टोगेमी पुष्प ये तो क्या करते हैं, इन दोनों को बढ़ाते हैं, लेकिन जो परपरागण पुष्प जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, परपरागण करने वाले जो पुष्प होते हैं, परपरागण करने वाले पुष्प, एक पुष्पी जो पादप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनको रोकने का, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर पादपों के अकॉर्डिंग इसका आंसर दें, 70 का आंसर दें, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पपीता हो जाए, ठीक है, ये द्विदलीय पादप। आगे देखिए 71, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? दो पीढ़ियां वो एक पीढ़ी के अंदर पाई जाती है, तो ऐसा कौन सा भाग है? नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, और कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है, तो 71 में देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका ए हो जाएगा, पराग कोष के अंदर परागण पाया जाता है, तो एक पीढ़ी तो ये हो गई, और एक बीजांड के अंदर भ्रूण कोष होता है, एक पीढ़ी ये हो गई, मतलब ए और डी हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 72 नंबर का क्वेश्चन है, बीजांड का पिंड बीजांड व्रंथ से कहां पर संलयित होता है? बीजांड का जो पिंड होता है, ये बीजांड व्रंथ पर कहां पर संलयित होता है? तो हाइलम होता है, ये 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 72 की हम बात करें तो 72 में थर्ड हो जाएगा, नाभि का या हाइलम जो होता है वहां पर बीजांड व्रंथ जुड़ा रहता है, ठीक है, हाइलम जिसका निशान भी बीज पर रह जाता है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर देखिए, जलकुंभी और जल लिली, ये क्वेश्चन पहले भी आया ना, मैंने बताया आपको, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होगा? कीट और वायु द्वारा होगा, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कीट या वायु द्वारा। 73 के बाद में आता 74, एक पादप, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा दिक्कत हो गई यहाँ पर, रुकना है एक मिनट, ठीक है, आ गया वापस, कई बार क्या हो जाती है दिक्कत। 1 पादप के परागण, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इससे, क्लास बहुत लंबी होगी ना, इसलिए लैपटॉप पे भी ज्यादा जोर पड़ जाता है, गर्म हो जाता है।
एक पादप के पराग कोष के पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकागर पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। मतलब एक कोई पादप है उसके ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है और यहाँ पर पराग कण है, ये पुष्प मान लीजिए और यहाँ के पराग कण है, और यहाँ पर एक दूसरा पादप है इसका जो ये है वर्तिकागर, ठीक है वर्तिकागर, इसके ऊपर यहां से परागकण इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें परागकण के दौरान वर्तिकागर पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। आनुवांशिक रूप से भिन्न होते, आनुवांशिक रूप से समान होते तो सज्जात पुष्पी परागण हो जाता ये, लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न है तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका, पर निषेचन। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ दोबारा से, ऐसी दिक्कत ना है। 75 है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूण कोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक रूप से आवर्त बीजी भ्रूण कोष है उसमें निम्न में से क्या ये उपस्थित, कौन कौन सी कोशिका या कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 7 केंद्रक होते हैं क्या, नहीं नहीं केंद्रक तो 8 होते हैं, ये गलत और ये भी गलत, 8 केंद्रक होते हैं ये गलत, सॉरी मैंने नीचे वाला गलत कर दिया, नीचे वाला तो सही है आपका, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ये गलत है। 8 तो केंद्रक होते हैं, 7 कोशिका होती है, कैसे, एक बार ये स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं, ये देखिए चित्र मैंने इधर तो दिखेगा नहीं, यहाँ बना देता हूँ। ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें तीनों में एक एक केंद्रक हो गया, बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें ध्रुवकाएं कहती हैं, और नीचे की ओर 2 सेल्स और एक आपकी अंडकोशिका, इसमें भी केंद्रक इसमें भी केंद्रक, मतलब 3 और 3 6 सेल ये और एक सेल नीचे वाली, तो 7 तो सेल्स हो गई, और केंद्रक देखिए तो 3 ऊपर 3 नीचे, 3 और 3 6 केंद्रक और 2 केंद्रक बीच में, 8 आपके न्यूक्लियस हो गए। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। देखिए ये चैप्टर मैंने डिटेल से करवाया आपको, अगर कोई चीज दिक्कत है ना तो उस वहां पर उस चैप्टर को देख लेना आप पढ़ना, और एक ही क्लास के अंदर पूरे चैप्टर को मैंने करवाया है, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करना आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन है, ये आपकी फैमिली वाले से ऐड हो गया, देखिए इस चैप्टर में नहीं है लेकिन फैमिली वाले में दोबारा देख लेंगे। निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद कई महीनों तक रहती है, फैमिली पूछ ली है उसका, तो फैमिली के अकॉर्डिंग आंसर दे। तो यहाँ पर देखिए जो 3 नंबर है रोजेसी और लेग्यूमिनेसी जो कुल हैं, इनके जो परागण उनकी जो जीवन क्षमता होती है वो थोड़ी लंबे समय तक होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, तो लगभग 76 क्वेश्चन के साथ में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए हैं। चैप्टर मैंने करवा दिया पूरा रिवीजन करके, और 76 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स करवा दिए, और अंतिम समय में मैं आपकी लगभग 5 या 6 क्लास के अंदर हर दिन आपके 90 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से मोस्ट क्वेश्चन छाट करके और करवाऊंगा, मतलब आपकी इसी चैनल के माध्यम से पूरी नीट की तैयारी करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और भी नोट्स आपको मिल जाएंगी, और मेरी वेबसाइट है उस पर आपको नीट के अकॉर्डिंग के की नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, स्ट्रक्चर से युक्त नोट्स हैं वो सभी वहाँ पे मिल जाएंगे, हैंडराइटिंग नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट भी आप विजिट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।